यशोमती मैया के नंदलाला। आज से तुम्हें सारा संसार जिस नाम से पहचानेगा वो नाम है, वो नाम है कृष्ण कृष्ण, वो नाम है, वो नाम है कृष्ण कृष्ण, वो नाम है, वो नाम है कृष्ण कृष्ण। प्रणाम रिसीवर। रिसीवर, आपका स्वास्थ्य ठीक तो है ना? महर्षि को संभालो काना, नहीं तो ये साक्षात प्रणाम कर देंगे तुम्हें। और तब छोटी बा को तुम्हारे भगवान होने की स्मृति फिर से आ जाएगी। भक्तों को भगवान के दर्शन मिलते हैं, मुझे तो साक्षात भगवान ही मिल गए। इस समय मैं भगवान नहीं बस आपका शिष्य और ऋषिवर स्मरण रखी है। भगवान अपने भक्त के घर नहीं आए, आज एक पुत्र अपनी मैया के साथ एक महर्षि के आश्रम आया है। देखो तू इसे, ऐसे हृदय से लग रहा है जैसे कितने अच्छे से जानता हूँ। जानता हूँ मैया, बाबा ने कितनी बार बताया हो इनके बारे में कि कैसे मेरा नामकरण करा था, इसलिए तो इतने विशेष है ये मेरे लिए। अच्छा ही है कि यशोदा जी भूल रही है, इसका लल्ला स्वयं श्री नारायण का अवतार। आप सभी का यहाँ आना बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आप आए हैं अपनी इच्छा से, परंतु मेरी इच्छा के बिना जा नहीं पाएंगे। आपके साथ समय बिताने आए हैं महर्षि, इतनी शीघ्र यहाँ से जाएंगे भी ना? लगता है काना के मस्तिष्क में कोई योजना है, कोई फिर से कोई लीला तो नहीं करने वाला ये। नहीं बताओगे? कौन सी बात दाऊ? चाचू क्यों तुम कोई विशेष योजना बना रहे हो क्या? मैं कोई विशेष योजना कभी नहीं बताता दाऊ, जो होना होता है वो अपने आप हो जाता है। वैसे दाऊ योजना बनाओ भी क्यों, आज कुछ विशेष थोड़ी ना है।
तो मेरा जन्मदिन इसके लिए विशेष अवसर नहीं है या फिर इसे स्मरण ही नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है? ना, कितनी दूर फेंक दी, अब जाके लेके आनी पड़ेगी। बलराम, वहां खड़े क्या हो? आओ गिल्ली लेके आते हैं। बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, किसके लिए पका रही हो? कान्हा और उसके सखाओं के लिए। अभी तक जैसे वापस ना आए हैं, अब मैं ही जाऊंगी, जाके दे आऊंगी। उन्हें भूख लगी आई होगी ना? यशोदा, मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, उसके लिए मुझसे क्रोधित हो ना? ना, आपके स्थान पे मैं होती तो मैं भी ऐसा ही करती, और भगवान की इच्छा से बड़ा तो और कछु ना होता है। पर अब मुझे जाना होगा, जिस सारे बालकों ने रात से केवल फल खाया हुआ है। नहीं, गुंज रही है जे, कंदरा ही है। चलो और भीतर चल के देखते हैं। इन बालकों ने मेरा कार्य सरल कर दिया, स्वयं ही कृष्ण को खींचकर मुझ तक ले आए। दिखाई नहीं दे रहे, ये यहाँ खड़ा क्यों है? भीतर आ बालक, ताकि तुझे और तेरे सखाओं को एक साथ बचा लूं मैं। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये क्या हो रहा है मुझे? कैसी माया है ये? नारायण नारायण।
मैंने इतने पाप किए हैं प्रभु, फिर भी आपने स्वयं मुझे मुक्ति प्रदान की, ऐसा सौभाग्य मुझे क्यों मिला प्रभु? ये तो होना ही था गासुर, ये था विधि का विधान। पूर्व जन्म में तुम राक्षस शंख चुन के पुत्र थे, युवा थे, बात बलवान और कामदेव के समान आकर्षण होने के कारण बहुत गर्व हो गया था। एक दिन एक बहुत ही ज्ञानी और बलशाली ऋषि उसी नदी में स्नान कर रहे थे, जिसके स्वच्छ जल में स्नान करके तुम अपनी कांति को और भी अधिक बढ़ाने आए थे। ये क्या देख लिया मैंने, भला कोई इतना वक्र भी हो सकता है? एक रूप वृद्ध, इसी क्षण मेरी दृष्टि से दूर हो जा, किसी भयानक श्राप की भांति कहीं तेरी इस देह की छाया मेरे सुंदर स्वरूप पर ना पड़ जाए। भाग जा यहां से। अभी भान में आकर तुमने ऋषि अक्षावर का उपहास उड़ाया, उन्हें तुम्हारे व्यवहार पर बहुत क्रोध आया और इसीलिए तुम्हें विनय का पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।